हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पिरिकल ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद में अवेलेबल कोर्सेज, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल चार्जेस के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे कोर्सेज डिस्कस कर लेते हैं कि YMCA फरीदाबाद में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे UG और PG दोनों ही लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ UG कोर्सेज को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप PG कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट और कोर्स विद डिसिप्लिन ड्यूरेशन इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड इन थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे इनटेक यानी कि कितने सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं इनकी बात की गई है। तो आप अपने जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो बीटेक कोर्सेज की बात की गई है। तो अगर आप बीटेक कोर्सेज से रिलेटेड YMCA फरीदाबाद में एडमिशन चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में बीटेक कोर्स से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहां पे जो डिपार्टमेंट नेम है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है और जो कोर्स या डिसिप्लिन है वो BCA है, 3 साल का है और यहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में जो सीट्स यानी कि इनटेक है वो 60 है। इसी तरह से आप यहां पे देख सकते हैं BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं BBA, ठीक उसी तरह लिबरल आर्ट्स एंड मीडिया स्टडीज़ में आप देख सकते हैं BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे बीटेक कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि आपका 10+2 में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होने चाहिए और उसके साथ साथ जो है केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी एक होना चाहिए और फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे 45% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए और 40% मार्क्स जो होने चाहिए वो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% मार्क्स जो 12th में होने चाहिए। और यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि एडमिशन विल बी मेड थ्रू HSTS काउंसलिंग और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस इशूड बाई HSTS। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बीटेक कोर्स में एडमिशन से रिलेटेड HSTS के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे BSc फिजिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए, लेकिन वो हरियाणा के ही होने चाहिए, यानी कि 45% फॉर SC ST कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली। और यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन आप देख सकते हैं जो कि होगा, यहाँ पे एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर सीट वैकेंट रह जाती है, अगर सीट खाली रह जाती है तो जो एडमिशन होगा वो आपके 10+2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। BSc ऑनर्स इन मैथ्स के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने BSc ऑनर्स इन फिजिक्स के लिए बताया, और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी सेम है। ठीक उसी तरह BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए बताया, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स ऑनर्स में जो है सॉरी केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम है जैसा मैंने BSc ऑनर्स इन फिजिक्स के लिए बताया।
नेक्स्ट है यहाँ पे लिबरल आर्ट्स एंड मीडिया स्टडीज, ये आपका जो है डिपार्टमेंट है और जो आपका कोर्स है वो है बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 50% मार्क्स जो है आपके ट्वेल्थ में होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट को मिला के आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और 45% मार्क्स जो है वो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है, सिर्फ हरियाणा कैंडिडेट के लिए, जो हरियाणा के एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 45% मार्क्स जो है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्ट अवेटेड क्वालिफाइंग एग्जाम कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि वे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 2020 में अपना एग्ज़ाम दिया वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो भी वे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है काउंसलिंग के टाइम अपना रिजल्ट शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे बीसीए कोर्स, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका 10+2 और इक्वेलेंट एग्जामिनेशन में एग्रीगेट 45% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स होने चाहिए हरियाणा के जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और उससे जो मेरिट बनेगी तो वहाँ से आपका एडमिशन होगा। अगर यहाँ पे सीट्स जो हैं वैकेंट रह जाती हैं तो आपका जो आपने 10+2 का जो एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ से जो मेरिट बनेगी यानी कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी वहाँ से भी आपका एडमिशन होगा अगर सीट्स यहाँ पे वैकेंट रह जाती हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बीबीए कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीबीए कोर्स के लिए जो है 50% मार्क्स जो होने चाहिए आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स जो होने चाहिए ट्वेल्थ में होने चाहिए और 45% मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हों। और यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर सीट्स जो हैं वैकेंट रह जाती हैं तो यहाँ पे जो आपने 10+2 का एग्ज़ाम दिया है उसके आधार पे जो मेरिट बनेगी तो वहाँ से भी एडमिशन लिया जाएगा अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बीए कोर्स के लिए। तो बीए कोर्स के लिए यहाँ पे आपके 50% मार्क्स जो 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स जो हैं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हो। यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स देख लीजिए बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और एडमिशन जो होगा आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और वहाँ पे जो मेरिट बनेगी उससे आपका एडमिशन होगा। और अगर सीट्स जो हैं वैकेंट रह जाती हैं तो आपका 10+2 में जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है 10+2 का उससे जो मेरिट बनेगा वहाँ से भी एडमिशन होगा अगर सीट्स जो हैं वैकेंट रह जाती हैं तो। नेक्स्ट हम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को जूम कर देती हूँ और यहाँ पे आप जिस कोर्स से भी बिलोंग करते हैं उस कोर्स का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और ये जो फ़ी आपको बताया गया है, ये जो फ़ी आपको फ़ी स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है वो सेशन 2020-21 के लिए है फॉर फर्स्ट ईयर फ़ी, यानी कि ये फर्स्ट ईयर के लिए फ़ी है सेशन 2021 के लिए। और यहाँ पे सिर्फ आपके कॉलेज की फ़ीस बताई गई है, इसमें हॉस्टल का फ़ी जो है इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो फ़ी है आपको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में लेके जाना है और रजिस्ट्रार जेसी बोस यूएसटी फरीदाबाद के फेवर में आपको फ़ी जो है सबमिट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं हॉस्टल चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे हॉस्टल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, अरेंजमेंट फ़ी एंड हॉस्टल सिक्योरिटी जो कि वन टाइम है, तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस आपके बताए गए हैं कि 12,300 हैं। और हॉस्टल चार्जेस भी जो हैं आपको डिमांड ड्राफ्ट के ही फॉर्म में सबमिट करना है और किसके फेवर में सबमिट करना है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रार जेसी बोस यूएसटी वाईएमसीए फरीदाबाद। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेस चार्जेस। मेस चार्जेस यहाँ पे बताया गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए जो मेस चार्ज है वो 11,281 है, वहीं यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो मेस चार्ज है वो 10,242 है। और मेस चार्ज भी आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के ही फॉर्म में डिपॉजिट करना है और यहाँ पे किसके फेवर में डिपॉजिट करना है वो आप देख सकते हैं, चीफ हॉस्टल वार्डन जेसी बोस यूएसटी वाईएमसीए फरीदाबाद के फेवर में जो है आपको मेस चार्ज डिपॉजिट करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर के लिए यहाँ पे मेस चार्ज बताया गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट फॉर्म में, और वहीं यहाँ पे जितने भी चार्जेस लग रहे हैं उन चार्जेस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम गाइडलाइंस देख लेते हैं। जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उससे रिलेटेड यहाँ पे गाइडलाइंस कुछ दी गई हैं और प्रोसीजर भी बताया गया है, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो रीड कर लेना है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ymcst.ac.in फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन जो है वो HSTES के द्वारा होता है, और उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे बार बार मैं इन्फॉर्म इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बीटेक एडमिशन का प्रोसीजर थोड़ा अलग है, तो जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो उन प्रोसीजर्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट टू डिटरमिनेशन ऑफ यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं और जब आप एडमिशन लेने जाते हैं और आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है तो उसमें आप नॉट अवेलेबल नहीं लिख सकते हैं, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन दीजिए वो सही सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। साथ ही यहाँ पे आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पे बताया गया है, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जो कि 1 ईयर के लिए कम से कम वैलिड होने चाहिए, पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, अगर आपका कोई रिजर्वेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब आपका अगर है तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और इमेज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, इमेज ऑफ स्कैन सिग्नेचर आपका चाहिए, और उसके साथ साथ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का कुछ स्टेप्स बताया गया है। फर्स्ट स्टेप में बताया गया कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म एज पर योर क्रेसिडेंशियल्स अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपको अपनी ईमेल अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर का जो आपने स्कैन किया है वो अपलोड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है मेक द रिक्वायर्ड पेमेंट, यानी कि आपको नेक्स्ट पेमेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट जरूर करें और उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग होगा तभी भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, और भी काफ़ी जगह यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की जो है ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि आपको एडमिट कार्ड जो है सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड जो कोर्स है, यानी कि जो जिनका एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उनके लिए ये बताया गया है कि उन्हें अपना एडमिट कार्ड जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, और अगर वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो है वो ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं जहाँ से आपको एडमिट कार्ड जो है आपका मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको वहाँ पे कांटेक्ट करना है। 1-2 दिन पहले अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बना के दे दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे होगा अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उसके लिए आपको अपना फ़ोटो भी लेके जाना है, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज यहाँ पे फ़ोटो ले जाना है अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो। नेक्स्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और साथ साथ उसके आइडेंटिफाई प्रूफ भी ले जाना है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ले जाना है।
साथ में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आपको एडमिट कार्ड पे मिलेंगे, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखना है और इसके साथ साथ विदाउट एडमिट कार्ड आपका जो है एंट्री पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पे आपको वहाँ पे जो भी रूल्स है एडमिट कार्ड पे लिखे रहेंगे और उन्हें आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम लेकर जाना है, तो यहाँ पे उनका फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फॉर्मेट जो है आप देख सकते हैं और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इन फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का, और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप इन सारे इन्फॉर्मेशंस को पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेट दिया गया है तो आप इन फॉर्मेट को जो है डाउनलोड कर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया है वो YMCA फरीदाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वहीं से ये इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया है, और वो सारे इन्फॉर्मेशन सेशन 2020-21 के लिए है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, क्योंकि आपको वहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी डेट शीट है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको मिलती रहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए इसलिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।